ये लीजिए, वहां से तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें बताइए क्या कुछ है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है वहां। अशोक देखिए अंजना, यहाँ पर बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में जो जश्न मनाया जा रहा है कल से और आज उनके बीच में सेलिब्रेट करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। क्योंकि बिहार में बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी बड़ा भाई बन के सामने आई है और देख सकते हैं कि धन्यवाद बिहार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, जोर से नारा देंगे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए स्वागत है जनता के बीच। आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय में किस ढंग से सजाया गया है, किस ढंग से जश्न की तैयारियां की गई है। यहाँ पर कार्यकर्ता काफी तादाद में यहाँ पर जमा है, कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के, लाइटिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि लोग काफी उत्साहित है और कल रात भर भी देर रात तक भी कल जश्न मनाया गया था लेकिन लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि लीडरशिप चाहती थी कि जब पूरे रिजल्ट बाहर आ जाएंगे तब वो सेलिब्रेट करेंगे और इसीलिए आज का दिन पार्टी ने तय किया था कि आज प्रधानमंत्री से लेकर तमाम टॉप लीडरशिप जनता के बीच आएंगी, कार्यकर्ताओं के बीच आकर के इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, जश्न मनाएंगे और इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री सहित बाकी लीडर यहाँ पहुंचेंगे और जनता और कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। खास बात यह है अंजना कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बड़ा चुनाव था बिहार का और उनके लिए बहुत अहम बात है ये जीत, क्योंकि उनकी लीडरशिप अध्यक्ष बनने के बाद बिहार का इतना बड़ा चुनाव बीजेपी जीती है। तो आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके घर जा करके उनको अभिनंदन किया, उनका अभिवादन किया था खुद अमित शाह ने जाकर के और कहा था कि ये जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद ये बहुत बड़ी जीत है पार्टी की और पार्टी के तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का अभिनंदन करने के लिए और तमाम कार्यकर्ता उनकी मौजूदगी में ये समारोह। मंत्री रह चुके हैं लेकिन अध्यक्ष के तौर पर ये उनकी बड़ी जीत और जिस राज्य से वो आते हैं वहां पर उनकी ये जीत दर्ज करेगी और आने वाले वक्त में उनका कद भी बड़ा होगा। पार्टी के नजरिए से भी अगर हम देखें अशोक, तो जेपी नड्डा के लिए यहां से एक सफर की शुरुआत होगी, उनका कद एक अध्यक्ष के तौर पर बड़ा होगा और आज प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे और वहां पर भाषण देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है, बीजेपी अध्यक्ष के नाते जेपी नड्डा आज लोगों को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और जेपी नड्डा के लिए बहुत अहम चुनाव था, उन्होंने बहुत मेहनत भी की, काफी कैंपेन किया, बिहार के अंदर देखा जाए तो काफी समय उन्होंने बिताया, काफी रैलियां की और उनके लिए बहुत बड़ा चुनाव था उनके लिए, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था, उनकी परीक्षा थी क्योंकि बहुत तरह की बातें थी, तो ये जेपी नड्डा के लिए भी बहुत अहम है इस ढंग से। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है वहाँ पे, बड़े भाई की भूमिका में है, जेडीयू नंबर टू की पार्टी हुई, तो ये भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है जेपी नड्डा के लिए। और बाकी राज्यों में जो उपचुनाव थे उसमें भी बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है वो भी तमाम चीजें इसमें वैल्यू एड करती है अंजना, तो जेपी नड्डा के लिए अहम होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम बड़ी लीडरशिप के सामने यहाँ पे संबोधित करेंगे और जो जीत हुई है उसको सेलिब्रेट करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। अंजना ये बहुत बड़ी बात होगी जेपी नड्डा के लिए क्योंकि अध्यक्ष बनते ही पहला चुनाव बड़ा चुनाव आया और वो भी जीत हासिल हुई बीजेपी को।